विषय वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रियापद होता है साधारण वाक्य कहलाते हैं। जब दो उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो मिश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। विधि सूचक वाक्य जिसमें एक ही क्रिया का होना पाया जाता है, जैसे मैं जाता हूँ। निषेध सूचक वाक्य जहाँ पर किसी कार्य का निषेध किया जाता है, जैसे सीता ने खाना नहीं खाया। प्रश्न सूचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्मय आदि बोधक जहाँ हर्ष विषाद आश्चर्य का पता लगता है। जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं, चलो बैठकर पढ़ो। इच्छा सूचक में इच्छा व्यक्त की जाती है, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। संदेह सूचक वाक्य में संदेह को व्यक्त किया जाता है, जैसे शायद आज पानी बरसे। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है संकेत सूचक वाक्य कहलाते हैं।